हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट। जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आर यू गेटिंग ऑर नॉट? दिस इज द 8th चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑफ योर 12th क्लास, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फर्स्ट लेक्चर है आज मेरा, तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। ह्यूमन हेल्थ क्या होती है और डिजीज क्या होती है राइट, इसके बारे में हमें जानना है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी हेल्थ। एग्जैक्टली हेल्थ है क्या, तो हम यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ के बारे में स्टार्ट करें तो हमें हेल्थ का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। तो लिसन केयरफुली, व्हाट इज हेल्थ एग्जैक्टली? तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यू नो हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ के बारे में हेल्थ की काफी सारी डेफिनेशंस है। यू नो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स थे या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे उनके हिसाब से हेल्थ का अलग अलग मतलब हो जाता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को उठा के पढ़ते हैं, पुरानी किताबों को, ग्रीक थिंकर्स के हिसाब से राइट, आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से, तो डिफरेंट सिस्टम थे मेडिसिन के राइट पास्ट टाइम में। ये सिस्टम्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हर सिस्टम के हिसाब से हेल्थ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। लेकिन हम यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के हिसाब से आप हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अकॉर्डिंग टू द WHO इट स्टेट्स दैट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ स्टेट्स दैट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग दैट यू कॉल्ड हेल्थ। इफ एनी पर्सन विच इज फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इमोशनली फिट एंड सोशली फिट दैट यू कॉल्ड हेल्थ। तो हेल्थ का मतलब है कंप्लीट, आप जो है कंप्लीट कंसिडरेशन करते हैं यहाँ पे, आप फिजिकल हेल्थ को कंसिडर करते हैं, मेंटल हेल्थ को कंसिडर करते हैं, सोशल हेल्थ को भी कंसिडर करते हैं। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग दैट यू कॉल्ड हेल्थ, एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय WHO। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय WHO। तो WHO के हिसाब से हेल्थ का मतलब ये है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग दैट यू कॉल्ड हेल्थ। जबकि यहाँ पे हेल्थ की और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कुछ ग्रीक थिंकर्स के हिसाब से हेल्थ को अलग समझा जाता था राइट। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट मेडिसिनल सिस्टम है, इंडिया का मेडिसिनल सिस्टम जिसको आप बोलते हैं आयुर्वेद, ऐसे ही काफी सारे मेडिसिनल सिस्टम है जिसके हिसाब से हेल्थ को डिफरेंट तरीके से बताया गया है राइट। हेल्थ से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस भी थी जिसको आप कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, गुड और बैड ह्यूमर हाइपोथेसिस। हेल्थ जो डिपेंड करती है वो बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमर पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू दी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो हेल्थ से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस थी जिसको आप कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। सो नेक्स्ट इज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय सम ग्रीक थिंकर्स। कुछ ग्रीक थिंकर्स और फिलोसफर्स ने हेल्थ के बारे में ये हाइपोथेसिस दी जिसको आप गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहते हैं। आप जो मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं हेल्थ की, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग दैट यू कॉल्ड हेल्थ, लेकिन ये जो हाइपोथेसिस थी ये कुछ अलग ही इनकी डेफिनेशन थी। अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को बाद में विलियम हार्वे ने डिसप्रूव भी किया। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हेल्थ is the state of body, health is the balancing of state of body and mind due to presence of some humors। तो कुछ humors की वजह से, body के अंदर कुछ humors होते हैं, जब वो humors body और mind दोनों का balance रहता है तब particular individual healthy है, otherwise तो वो healthy नहीं है। तो यहां पे health
अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस का ये मतलब था दिस इज द बैलेंसिंग, ए गुड हेल्थ इज द बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमर बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो बॉडी स्टेट और माइंड के स्टेट में एक ह्यूमर बैलेंसिंग को आप गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इस हाइपोथेसिस के अनुसार हेल्थ मींस बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमर बिटवीन माइंड एंड बॉडी। माइंड और बॉडी के बीच में जब ह्यूमर बैलेंस होता है तब आप कहते हैं हेल्थ। तो हेल्थ का मतलब बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमर बिटवीन द स्टेट ऑफ माइंड एंड बिटवीन द स्टेट ऑफ बॉडी। अगर ये ह्यूमर इंबैलेंस होता है बिटवीन द स्टेट ऑफ बॉडी एंड बिटवीन द स्टेट ऑफ माइंड, तो वहां पे बैड ह्यूमर हो जाता है और जिसे कहते हैं कि पर्सन विल बी अफेक्टेड फ्रॉम द डिजीज। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं आया? कुछ लोग कंसीडर करते हैं हेल्थ का मतलब होता है डिजीज फ्री। हेल्थ को आप खाली डिजीज फ्री नहीं कह सकते, डजंट मींस हेल्थ इज डिजीज फ्री। इज दैट क्लियर? हेल्थ को आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस से ही रिलेट नहीं कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ भी होती है, सोशल हेल्थ भी होती है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट देखा जाता है हेल्थ के बारे में, तो हम ये नहीं कह सकते डिजीज फ्री का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री ही हेल्दी होना है। तो डिजीज फ्री होना हेल्दी नहीं है। आप यहाँ पे ओवरऑल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, आप यहाँ पे मेंटल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, आप यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल को भी कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको हेल्थ की डेफिनेशन, इसके बाद गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, बॉडी में ह्यूमर का बैलेंस होता है बिटवीन बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी और माइंड के बीच में जब ह्यूमर बैलेंस होता है तब आप कहते हैं द पर्सन इज हेल्दी। इज दैट क्लियर? एंड दिस हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय ancient Greek thinkers, कुछ ancient Greek thinkers थे जिन्होंने इस hypothesis को दिया। यहाँ पे एक और इस hypothesis से related statement है, ये भी मैं लिख देता हूँ, person with black bile called hot personality, जिसको आप hot personality कहते हैं, suffering from fever। ये स्टेटमेंट फीवर के रेस्पेक्ट में है। बॉडी में कोई भी बीमारी हो, कोई भी इंफेक्शन हो, तो फीवर एक कॉमन सी चीज हो जाती है। और फीवर के लिए यहां पे एक अलग ही स्टेटमेंट दिया ग्रीक थिंकर्स ने, पर्सन विद ब्लैक बाइल सफरिंग फ्रॉम फीवर। ऐसे पर्सन जो कि ब्लैक बाइल है जिनके पास, राइट, ब्लैक बाइल की वजह से, राइट, ये भी आपका गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस या बैड ह्यूमर हाइपोथेसिस, इसको मेनली गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो यहां पे जो ब्लैक बाइल होने की वजह से पर्सन को फीवर आ जाता है, तो पर्सन विद ब्लैक बाइल सफरिंग फ्रॉम फीवर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। बट दिस स्टेटमेंट वॉज कंप्लीटली डिस्प्रूव्ड बाय विलियम हार्वे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली डिस्प्रूव किया। तो यहां पे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वॉज डिस्प्रूव्ड बाय, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किसने किया? विलियम हार्वे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या किया? डिस्प्रूव कर दिया। कि यहां पे विलियम हार्वे ने बोला कि यहां पे ह्यूमर बैलेंसिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये विलियम हार्वे वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया और ये बताया कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो यहां पे जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो कि एंशिएंट ग्रीक थिंकर्स, ग्रीक फिलोसफर्स ने दी हुई थी, उसको डिस्प्रूव किया विलियम हार्वे ने, एंड ही डिस्कवर्ड ऑल्सो ब्लड सर्कुलेशन। आर यू गेटिंग ऑर नॉट? तो इसको, इनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है विलियम हार्वे को, क्योंकि विलियम हार्वे ने, ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, विलियम हार्वे ने क्या काम किया था? विलियम हार्वे डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया, राइट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया
और इस बात को डिस्प्रूव किया कि यहां पे कोई गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस नहीं होती है, राइट। विलियम हार्वे डिस्प्रूव गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इसके अलावा ही ऑल्सो डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्कवर किया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे हेल्थ, WHO के हिसाब से हेल्थ का मतलब है इट स्टेट्स दैट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यू कैन ऐड इमोशनल वेलबींग ऑल्सो, इवन यू कैन से स्पिरिचुअल वेलबींग ऑल्सो, बाद में स्पिरिचुअल वेलबींग को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे मेनली जो कंसिडर किया जाता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, दैट यू कॉल्ड हेल्थ। Health, it doesn't means that is only disease free. Health का मतलब ये नहीं है कि खाली डिजीज फ्री होना ही हेल्थ है। एक पर्सन है सामने से अच्छा खासा हस्त पुष्ट आपको नजर आ रहा है, इट doesn't mean कि वो बीमार नहीं है, उसको मेंटल इलनेस हो सकती है। तो हेल्थ में आप मेंटल इलनेस को भी कंसिडर करेंगे। आप बाहरी फिटनेस देख के, किसी पर्सन को देख के आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो बीमार नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्सन जो है फिजिकली फिट है लेकिन मेंटल इलनेस उसके अंदर है। आर यू गेटिंग और नॉट? कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है, इज दैट क्लियर? कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है, तो मेंटल इलनेस को भी कंसिडर किया जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पे आप फिजिकल फिट और मेंटल इलनेस के अलावा सोशल एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए पर्सन की, राइट। एग्जैक्टली क्या होता है, कुछ लोग फिजिकली फिट है या मेंटली फिट है लेकिन समाज में, राइट, चार लोग उसको गालियां देते हैं, राइट, वो क्रिमिनल बैंड उसका माइंड है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज है, इज दैट क्लियर? वो शातिर दिमाग है लेकिन वो जो है बुरे काम करता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज करता है, तो उसको भी आप हेल्दी नहीं कहेंगे। तो हेल्थ का मतलब सारी चीजों से है, हेल्थ का मतलब ऑल एस्पेक्ट से है। इसमें आप फिजिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, मेंटल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, इवन सोशल एस्पेक्ट्स को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? दिस इज द डेफिनेशन वाज गिवन बाय WHO। लेकिन कुछ पुरानी जो डेफिनेशन है उसमें NCERT में यहां पे दिया हुआ है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। NCERT के हिसाब से, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के हिसाब से क्या माना जाता था कि हेल्थ का मतलब है दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन ह्यूमर बिटवीन द बॉडी स्टेट एंड माइंड स्टेट। तो हेल्थ का मतलब कुछ ग्रीक फिलोसफर्स के हिसाब से ये माना जाता था कि दिस इज दी राइट बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमर बिटवीन बॉडी स्टेट एंड माइंड स्टेट। तो ह्यूमर के बैलेंसिंग की वजह से हेल्थ मेंटेन रहती है, और जब ह्यूमर इम्बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से हेल्थ जो है अच्छी नहीं रहती है, पर्सन स्टार्ट टू सफर फ्रॉम डिजीज, राइट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आया, ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल, इफ ए पर्सन विद ब्लैक बाइल देन दैट पर्सन यू कॉल्ड हॉट पर्सनैलिटी। ऐसे पर्सनैलिटी को आप हॉट पर्सनैलिटी कहते हैं। इफ पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल, तो पर्सन विद ब्लैक बाइल दैट यू कॉल्ड हॉट पर्सनैलिटी, जिसको आप हॉट पर्सनैलिटी कहते हैं, एंड सच पर्सन सफर फ्रॉम फीवर। तो फीवर का यहाँ पे अलग ही ब्लैक बाइल वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर करके डिस्प्रूव कर दिया बाद में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को किसने डिस्प्रूव किया? वो किया विलियम हार्वे ने। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। दिस ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन इन NCERT बुक। इज दैट क्लियर? इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि फादर ऑफ मेडिसिन, राइट। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु वाज फादर ऑफ मेडिसिन, हु इज कंसीडर एज फादर ऑफ मेडिसिन, किसको फादर ऑफ मेडिसिन कंसीडर किया जाता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? कुछ अदर इंफॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च परफॉर्म की और कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताए अबाउट द डिजीजेस। तो डिजीजेस के काफी सारे साइंटिफिक फैक्ट्स जो है वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स का मेडिसिनल फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, अपना एक बड़ा यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ऐसे ही कुछ इंडियन साइंटिस्ट भी है जिनको हम, राइट, फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है सुश्रुत को, राइट। फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, वहीं फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है सुश्रुत को। सुश्रुत, या इंग्लिश में आप बोलेंगे सुश्रुता,
या सुश्रत, सुश्रत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने पहली सर्जरी परफॉर्म की थी जिसको आप राइनोप्लास्टी कहते हैं। तो राइनोप्लास्टी सर्जरी परफॉर्म की पहली बार सुश्रत ने, इसलिए इनको राइट फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, या ये भी कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, क्योंकि ये इंडियन थे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आयुर्वेद में इनको महारत हासिल थी, राइट? इंडियन मेडिसिनल सिस्टम में ये काफी गुणी थे और इन्होंने पहली सर्जरी परफॉर्म की। इज दैट क्लियर? इसलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिनका नाम है सुश्रत। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे ही फादर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद और आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेद, राइट? यानी कि आयुर्वेद क्या है? इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है। हमारा जो ओरिजिन मेडिसिनल सिस्टम है, इंडिया का जो मेडिसिनल सिस्टम है, उसे आप आयुर्वेद कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में आपको सारी एंटायर इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि आप बीमारियों को सही कर सकते हैं, बीमारियों के बारे में पढ़ सकते हैं, बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, राइट? इवन आयुर्वेद के बारे में एक बुक भी लिखी हुई है जिसको आप कहते हैं चरक संहिता। तो चरक संहिता नाम की एक बुक भी लिखी हुई है। चरक कौन थे? चरक को माना जाता है फादर ऑफ आयुर्वेद। जो इंडियन मेडिसिनल सिस्टम को ओरिजिनेट किया वो एक काफी पुराने साइंटिस्ट थे जिनको आप बोलते हैं चरक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चरक जो है फादर ऑफ आयुर्वेद कंसिडर किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए बींग एन इंडियन। इज दैट क्लियर? कि हमारा जो इतना प्राचीन आयुर्वेदिक सिस्टम है, इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है, राइट, उसका जो ओरिजिनेट किया वो किन्होंने किया, ये इन्फॉर्मेशन होना आपके पास बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है चरक को। किसको कहा जाता है? चरक इज फादर ऑफ आयुर्वेद। तो फादर ऑफ सर्जरी वॉज ऑल्सो एन इंडियन साइंटिस्ट जिसको आप सुश्रत कहते हैं। फादर ऑफ आयुर्वेद जो कि आयुर्वेद इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है उसको आप चरक कहते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दी हेल्थ। Is that clear to all of you? अब बात करते हैं कि जो हेल्थ है, is that clear? Health और डिजीज की हम बात करें कि आप यहां पे कौन कौन से मेजर रीजन है जिसकी वजह से हेल्थ बिगड़ जाती है। Is that clear to all of you? यानी कि एक पर्सन का अनहेल्दी होने के पीछे क्या क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। Is that clear to all of you? So the next is देखिए, प्लीज लिसन केयरफुली। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर देते हैं और आपके अंदर कोई पर्टिकुलर डिजीज को डेवलप कर देते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक गुड हेल्थ मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? ये भी मैं बताऊंगा कि आप जो है गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, जो आपको फिजिकल, आपकी बॉडी की फिजिकल कंडीशन को बदल सकते हैं या मेंटल कंडीशन को बदल सकते हैं। इज दैट क्लियर? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स। तो मेजर फैक्टर्स विच जनरली अफेक्ट दी हेल्थ, ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, तो ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं उन्हें आप फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ बोलते हैं। इसमें नंबर वन, ये जेनेटिकल फैक्टर्स होते हो सकते हैं। जेनेटिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बाय बर्थ होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी बच्चे में जो बाय बर्थ कंडीशन है, बाय बर्थ जो डिफेक्ट्स हैं, उन्हें आप जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं या जेनेटिकल फैक्टर्स कहते हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो जेनेटिकल फैक्टर्स। दी जेनेटिकल फैक्टर्स आर प्रेजेंट बाय बर्थ। ये जो डिफेक्ट्स हैं, दीज डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट, आप कहिए कि ये डिफेक्ट्स हैं, दीज डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट बाय बर्थ इन एनी इंडिविजुअल। दीज डिफेक्ट्स are present by birth in any individual.
तो किसी भी इंडिविजुअल में जो डिफेक्ट्स हैं, दीज डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट बाय बर्थ, आर प्रेजेंट बाय बर्थ, इसे आप जेनेटिकल फैक्टर्स कहते हैं जो कि आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट? कोई जीन रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है। आपने इतने सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, देयर आर सो मेनी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स व्हिच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ इन एनी इंडिविजुअल। तो बाय बर्थ किसी इंडिविजुअल में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको आप जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं, एंड दैट कैन इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ एनी पर्सन, जो कि किसी भी पर्सन की हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? सेकेंड जो है इन्फेक्शंस, ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ड्यू टू द कॉज ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स, सर्टेन पैथोजेंस, ये वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, देर आर वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन जो कि किसी भी पर्सन की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर्स है किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हेल्थ को अफेक्टेड करने के लिए इन्फेक्शन इज ऑल्सो ए मेजर कॉज। एंड इन्फेक्शन जो होते हैं जनरली इन्फेक्शन आर कॉज बाय पैथोजेंस, ये पैथोजेंस होते हैं, राइट? ये आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से एंटर कर जाते हैं और आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ, आपकी बॉडी के फिजिकल फंक्शन के साथ, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल डैमेज कर सकते हैं या किसी भी तरह का डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसमें बैक्टीरियल डिजीजेस भी आ जाती हैं, वायरल डिजीज भी आ जाती है। अबाउट दी डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, आई विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, थर्ड रीजन इज, सेकंड रीजन इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड रीजन इज लाइफ स्टाइल। ध्यान रहे, आपका लाइफ स्टाइल भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, कुछ लोगों में अच्छी आदतें होती हैं, वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर योगा करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, आर यू गेटिंग ऑर नॉट? उनकी जो अच्छी आदतें हैं वो गुड फूड कंज्यूम करते हैं, वो हाइजीनिक फूड कंज्यूम करते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सब एक्टिविटीज लाइफ स्टाइल में आती हैं। और कुछ लोगों में बड़ी बैड हैबिट्स होती हैं, वो ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारे ऐसे जो बुरी आदतें हैं वो आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपका सोने का टाइम अलग है, आप सही टाइम पे नहीं सोते हैं, आप सही टाइम पे नहीं उठते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये भी, ये सब लाइफ स्टाइल में आते हैं और लाइफ स्टाइल से भी आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, इज दैट क्लियर? आपका लाइफ स्टाइल आपकी हेल्थ को अफेक्टेड कर सकता है। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, या कोई भी एक्स वाई जेड आपके अंदर बुरी आदतें हैं, तो उन बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बुरी आदतें आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो लाइफ स्टाइल भी एक मेजर कॉज है हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो लाइफ स्टाइल में, जैसे कि लाइफ स्टाइल में मैं लिख भी देता हूँ, जैसे कि कुछ लोग पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, आपकी खुद की साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। अगर आप पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं देते हो, खुद की साफ सफाई नहीं करते हो, रेगुलर बाथ नहीं लेते हो, रेगुलर टूथब्रश नहीं करते हो, या कोई भी ऐसी गंदी आदत जो आपके अंदर है और आपके पर्सनल हाइजीन को बिगाड़ रही है, तो उसकी वजह से आपके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप नहाते नहीं हैं तो आपकी स्किन में फंजल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, इज दैट क्लियर? खाना खाने के बाद, अगर आप खाना खाने से पहले अगर आप हाथ नहीं धोते हैं, तो आपके हाथ में काफी सारे आपके हाथ जो है कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, काफी सारे जो है हाथों में आपके एयर बोर्न पैथोजेंस हो सकते हैं, इज दैट क्लियर? सॉइल बोर्न पैथोजेंस हो सकते हैं, जो कि आपके फूड के साथ आप अंदर लेके जाएंगे, या आपको खाना वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आप बिना धोए खा लेते हैं, ये भी बुरी आदतों में आता है। इट मीन्स योर लाइफ स्टाइल इज नॉट गुड, यू नीड टू इंप्रूव योर लाइफ स्टाइल, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन ऑल्सो। व्हेन यू विल टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, यू विल ऑटोमेटिकली बी हेल्दी, अदरवाइज यू विल सफर फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस, सो मेनी इन्फेक्शंस ऑल्सो। तो यहां पे पर्सनल हाइजीन आता है, बैलेंस डाइट आती है, हाउ यू विल मेंटेन योर लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट। आप कुछ भी खा लेते हैं, डाइट इम्बैलेंस है, उस केस में भी राइट आपकी हेल्थ इन्फ्लुएंस हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है, तो बैलेंस डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, आपकी जो हैबिट्स हैं वो किस टाइप की हैबिट्स हैं,
राइट right? आपको किसी तरह का एडिक्शन तो नहीं है, आपको ड्रग्स का एडिक्शन तो नहीं है, आपको स्मोकिंग का एडिक्शन तो नहीं है, आपको अल्कोहल का एडिक्शन तो नहीं है. एनी काइंड ऑफ एडिक्शन कैन डैमेज योर हेल्थ, इज दैट क्लियर? सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस योर हेल्थ. जेनेटिकल फैक्टर्स, इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल, ये थ्री मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आर यू रेडी और नॉट? तो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर हेल्थ. ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, ये फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि आपकी हेल्थ अफेक्टेड होती है. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ यू विल मेंटेन योर गुड हेल्थ. आप किस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे? हमारे पास, हम अपनी हेल्थ को काफी हद तक चाहें तो मेंटेन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? हेल्थ को मेंटेन करने से हमारी लॉन्जिविटी इंप्रूव हो जाती है. इज दैट क्लियर? हम दीर्घायु हो जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ जाती है अगर हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं. तो क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू वी मेंटेन द गुड हेल्थ. हम कैसे अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेंटेन आवर गुड हेल्थ. हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, राइट? ये भी आपको पता होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज, हाउ कैन वी मेंटेन गुड हेल्थ. किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. यू नो, हर किसी का अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का तरीका अलग होता है. हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने का, अपने आप को नरिश करने के, देयर आर सेवरल मेथड्स. बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, राइट? यू नो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इज दैट क्लियर? काफी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, is that clear to all of you, जो कि हमारी आदतों की वजह से हमारे अंदर आती है, जो कि हमारे खान पान की वजह से हमारे अंदर आती है. There are so many reasons, right, कि जिससे कि हमारी health influence होती है. तो काफी सारी conditions आपके हाथ में है. Is that clear? आप चाहे तो आप अपनी health को maintain कर सकते हैं और आप चाहे तो अपनी health को बिगाड़ सकते हैं. तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि आप अपनी health को maintain कैसे करेंगे. ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि किस तरीके से हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देयर आर सेवरल मेथड्स टू मेंटेन योर हेल्थ. आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप, राइट, जिनको अपनाकर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका, बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. काफी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से हो जाते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा कैलोरीज लेते हैं अपने फूड में, वो फूडी किस्म के होते हैं, वो खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इम्प्रॉपर तरीके से खाते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, उनकी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके हिसाब से नहीं खाते हैं, या जंक फूड खाते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या किसी भी किस्म का कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं, तो वहां पे उससे हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. या फैट रिच फूड खाते हैं. इज दैट क्लियर? तो बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है. प्रोटीन रिच डाइट लेना, फाइबर रिच डाइट लेना, विटामिन रिच डाइट लेना. या कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि फ्रूट्स ही नहीं खाते हैं. फ्रूट्स आर वेरी एसेंशियल सोर्स फॉर विटामिन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं. या अगर आप प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते हैं, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि उनको दूध लेना पसंद नहीं होता. दूध, मिल्क जो है वो बहुत ही हेल्दी डाइट है आपके फूड के लिए. उससे आपको कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है. तो ये सब बैलेंस डाइट का पार्ट है. तो एक बैलेंस डाइट को फॉलो करके आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चैप्टर आपकी अवेयरनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये. इससे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इवन योर अवेयरनेस ऑल्सो. तो बैलेंस डाइट, सबसे पहली बात, आपको किस तरीके से अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, आपको जो है बैलेंस डाइट फॉलो करनी है. इज दैट क्लियर? आपको जो है ब्रेकफास्ट टाइम पे करना है, आपको जो है लंच टाइम पे करना है, आपको जो है डिनर टाइम पे करना है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहां पे आपको जो है ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए. इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? और आपको जो है लंच और डिनर भी एक बैलेंस वे में खाना चाहिए. तो ये सब बैलेंस डाइट है जिससे कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, रेगुलर एक्सरसाइजेस. आप रेगुलर एक्सरसाइज करके भी अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, राइट? रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आपकी हेल्थ मेंटेन रह सकती है, इज दैट क्लियर। इसके अलावा यहां पे और भी तरीके हैं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जैसे कुछ लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो योगा से आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी योगा बहुत अच्छा है। तो आप जो है योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर यू रेडी और नॉट? योगा एक बहुत ही एंशियंट प्रैक्टिस है जिससे कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, योगा एंड मेडिटेशन, इज दैट क्लियर? योगा और मेडिटेशन से आप मेंटेन फिजिकल हेल्थ एंड इवन मेंटल हेल्थ। आप योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को मेंटेन कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? तो यहां पे मैंने आपको बता दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिफेक्ट्स, इज दैट क्लियर? तो जेनेटिकल फैक्टर जो कि आपको पैदाइशी होते हैं, जो कि आपको बाय बर्थ मिलते हैं, वो जेनेटिकल डिफेक्ट्स हैं, इज दैट क्लियर? उनका सॉल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको बाय बर्थ मिले हैं। जो चीज आपको बाय बर्थ मिलते हैं, दैट इज नॉट योर मिस्टेक, वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वो आपको पैदाइशी वो डिफेक्ट्स मिले हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन जेनेटिकल डिफेक्ट्स के अलावा और भी काफी सारी डिजीजेस होती हैं, काफी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे हाथ में ही है। हम उन बीमारियों से किस तरीके से बच सकते हैं, हम किस तरीके से अच्छी आदतें अपनाकर बीमार होने से बच सकते हैं, वो सब कुछ हमारे हाथ में है। सेकंड फैक्टर्स मैंने बताया था आपको, आपका लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करता है। अच्छी आदतें, बुरी आदतें, इज दैट क्लियर? आप जो है बुरी आदतें, जितनी भी खराब आदतें हैं जिससे कि आपकी हेल्थ इन्फ्लुएंस हो सकती है, आप अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उससे भी आपको इन्फेक्शन मिलने के चांसेस हो सकते हैं, डिजीज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं लाइफ स्टाइल में, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, सोना, उठना, जगना, ये सारी चीजें भी आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। तो ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल है वो आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तीसरा, इन्फेक्शन, पैथोजन्स, इन पैथोजन्स, इन डिजीजेस से भी बचा जा सकता है कुछ प्रिवेंशन लेके। आर यू गेटिंग ऑन? जैसे STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज में, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हेल्दी हैबिट से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वहां पे प्रिवेंशन के क्या उपाय होते हैं ये आप सभी को पता ही है। आर यू गेटिंग ऑन नोट? तो इसी तरीके से काफी सारी बीमारियां हैं जिनसे कि आप बच सकते हैं, बसरते आपको अपनी हेल्दी हैबिट्स बनानी होगी। इसके अलावा ये फैक्टर्स हो गए, इसके बाद हाउ कैन वी मेंटेन आवर गुड हेल्थ, किस तरीके से हम अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के बहुत तरीके हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट, आप एक बैलेंस फॉर्म में खाना खा रहे हैं, बैलेंस डाइट आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। रेगुलर एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, उससे भी आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है। आर यू गेटिंग ऑर नॉट? इसके अलावा योगा एंड मेडिटेशन बहुत जरूरी है फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, वो फैक्टर्स जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और ये भी बता दिया किस तरीके से आप हेल्थ को मेंटेन करेंगे। अब हेल्थ के सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई वी नीड टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमें क्या जरूरत है एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने की। आर यू गेटिंग नॉट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम हेल्थ क्यों मेंटेन रखना चाहते हैं, या हमें क्या जरूरत है हमारी अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने की, राइट? इस बात का जवाब देना राइट मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको जरूर कि हमें हेल्थ के क्या सिग्निफिकेंस हैं, किस तरीके से हेल्थ के बेनिफिट्स हैं। तो हेल्थ के बेनिफिट्स, वैसे तो यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस, अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द हेल्थ, बट स्टिल आई विल डिस्कस अबाउट सम बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है, आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ? तो बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ, सबसे पहला जो बेनिफिट है गुड हेल्थ का, इफ यू आर कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी, अगर आप अपने आप को हेल्दी रख पा रहे हैं, इट मींस दैट कॉज ऑफ लॉन्जिविटी, हेल्थ अच्छी होने की वजह से लॉन्जिविटी अच्छी होती है। लॉन्जिविटी का मतलब आपकी एज उतनी ही ज्यादा होगी, आपके अंदर डिजीजेस के रिस्क कम हो जाएंगे इफ यू हैव अ गुड हेल्थ,
आपके अंदर डिफेक्ट्स के रिस्क कम हो जाएंगे, एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स के रिस्क कम हो जाएंगे इफ यू आर मेंटेनिंग योर हेल्थ। और उसकी वजह से अगर डिजीजेस के रिस्क कम हो जाते हैं, डिफेक्ट्स के रिस्क कम हो जाते हैं, राइट, तो उस केस में आपका लंबे टाइम तक जिंदा रहना जरूरी हो जाता है। उस केस में आप लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं, यानी कि लॉन्जिविटी को बढ़ाने के लिए हेल्थ का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है आपकी एज को बढ़ाना। इज दैट क्लियर? आप जो है आपकी प्री मेच्योर डेथ नहीं होगी, या आप जो है अपनी पूरी एज कंप्लीट करने के बाद ही आपकी डेथ होगी। इज दैट क्लियर? तो लॉन्जिविटी को बढ़ा सकती है, एक अच्छी है, सबसे बड़ा बेनिफिट। इट इंक्रीजेस लॉन्जिविटी। तो लॉन्जिविटी को बढ़ाने का काम करती है हेल्थ, लॉन्जिविटी को बढ़ाती है हेल्थ, सेकेंड पॉइंट। इसके अलावा अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, यू विल बी वेरी एफिशिएंट इन योर वर्क। बीइंग ए स्टूडेंट, आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ना। मैक्सिमम टाइम को आप कंज्यूम कर सकें अपनी स्टडी के लिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दे सके, मैक्सिमम टाइम को कंज्यूम कर सके। इट मींस अगर आप दिन का मैक्सिमम टाइम पढ़ने में कंज्यूम कर रहे हैं, अपने टाइम का मिसयूज नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक गुड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो इट मींस यू आर वेरी एफिशिएंट इन वर्क। तो कोई भी पर्सन तभी वेल एफिशिएंट होता है अपने काम में जब वो हेल्दी होता है। अगर वो पर्सन हेल्दी नहीं है, देन दैट पर्सन विल नॉट बी वेल एफिशिएंट इन देयर वर्क। इज दैट क्लियर? सच काइंड ऑफ पर्सन विल नॉट बी वेल एफिशिएंट। तो अपने काम में वेल एफिशिएंट रहने के लिए हेल्दी होना बहुत जरूरी है, एक ये भी बेनिफिट आ जाता है। वेल एफिशिएंट इन वर्क, अगर आप अपने काम में वेल एफिशिएंट होंगे, इट मींस यू आर वेरी प्रोडक्टिव। तो आप प्रोडक्टिव है क्योंकि आप अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। आप अपना काम तभी अच्छे से करेंगे जब आप हेल्दी रहेंगे, और जब आप हेल्दी रहेंगे इट मींस आप प्रोडक्टिव हैं और प्रोडक्टिव रहेंगे। तो आप जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, किसी भी किस्म की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इफ आई एम वेरी हेल्दी, अगर मैं बहुत ही हेल्दी हूं, मेरी हेल्थ अच्छी है, आर यू गेटिंग ऑर नॉट, आई विल बी वेरी कैपेबल टू डिलीवर माई लेक्चर विद फुल ऑफ एनर्जी। अगर मैं अनहेल्दी हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इस एनर्जी के साथ अपना लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, और अगर अपना लेक्चर डिलीवर अच्छे से नहीं कर पाऊंगा तो आपको समझ नहीं आ पाएगा और मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होऊंगा। तो प्रोडक्टिविटी भी हेल्थ से ही आती है, तो हेल्थ कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्सन। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हेल्थ की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफ आई एम प्रोडक्टिव, इफ एनीबॉडी इज प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव होना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ एनी पर्सन इज वेरी एफिशिएंट इन डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, अगर कोई पर्सन जो है वो अपने काम में सक्षम है, एफिशिएंटली अपना काम कर सकता है, इट मींस वो प्रोडक्टिव है, और अगर वो प्रोडक्टिव है तो वो इकोनॉमी को जनरेट करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक हेल्दी नेशन की पहचान होती है कि हेल्दी नेशन जो होता है वो प्रोडक्टिव होता है, इकोनॉमी को जनरेट कर सकता है। एक गरीब जो देश होता है जहां पे बीमारियां होती हैं, उस देश में कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और उस देश में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है, तो ये भी अपने आप में हेल्थ का एक बेनिफिट है। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी डेवलप होती है आपकी हेल्थ से। अगर आप अच्छा काम कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव है, कंपटीशन के लिए आप एलिजिबल है, आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर जाते हैं, इट मींस यू विल जनरेट इकोनॉमी फॉर योरसेल्फ एंड इवन फॉर द कंट्री आल्सो। इज दैट क्लियर? तो इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए भी हेल्थ बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? टू जनरेट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को जनरेट करने के लिए एक गुड हेल्थ इज वेरी एसेंशियल। एक अच्छी हेल्थ बहुत जरूरी है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को डेवलप करने के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? तो दीज आर बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजीजेस। लिसन केयरफुली, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिजीज। डिजीज क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली, देखिए डिजीज का मतलब क्या है। डिजीज ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, डिस प्लस इज।
जैसे कि मैंने आपको भी हेल्थ के बारे में बताया, चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है? इट स्टेट्स दैट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग दैट यू कॉल्ड हेल्थ। WHO के हिसाब से फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को आप हेल्थ कहते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिजीज की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डिजीज फ्री का मतलब हेल्दी नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? डिजीज फ्री का मतलब हेल्दी नहीं होता है। कुछ लोगों में मेंटल सिकनेस भी होती है, कुछ लोगों में और भी प्रॉब्लम्स होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है, तो वो भी अनफिट माने जाते हैं, वो कंप्लीटली हेल्दी नहीं माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजीज का कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए, डिजीज क्या होती है? डिजीज जो है दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, डिस प्लस ईज। ईज मतलब होता है कंफर्ट, यानी कि डिसकंफर्ट इट मींस डिजीज। इफ एनी चेंज टेक प्लेस इन नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, अगर बॉडी में कोई भी चेंज टेक प्लेस करता है, बॉडी की नॉर्मल स्टेट में कोई चेंज टेक प्लेस करता है जिसकी वजह से पर्सन फील डिसकंफर्ट और डिसएबल, दैट यू कॉल डिजीज। तो डिसकंफर्ट और डिसएबिलिटी जिसको कि आप डिजीज कहते हैं, एंड दैट डिसकंफर्ट एंड दैट डिसएबिलिटी ड्यू टू द चेंज इन नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी की नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाने की वजह से डिजीज डेवलप होती है। तो देखिए डिजीज क्या है। इफ एनी चेंज इन नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, इफ एनी चेंज इन नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी results to discomfort or disability, any change in normal state of body that result to discomfort or disability, अगर body में कोई भी change होता है जिसकी वजह से discomfort या disability develop हो जाती है, is that clear? That you call disease, जिसे कि आप disease कहते हैं। इसमें यहां पे एपिडेमियोलॉजी, देखिए एक टर्म होता है एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी जो है, अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें, दिस इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। इज दैट क्लियर? कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि फास्ट रेट से स्प्रेड हो जाती है, फिर बाद में वो एपिडेमिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। जो फास्ट रेट से स्प्रेड होती है बीमारी, उसको आप एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। एंड इफ यू स्टडी अबाउट द कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, दैट यू कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। ये डिजीज से रिलेटेड एक टर्म था, ये आपको पता होना चाहिए। द स्टडी ऑफ कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, स्प्रेड ऑफ डिजीज। सो द स्टडी ऑफ कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, दैट यू कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी, जिसको कि आप एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ऐसी एक टर्म आता है यहां पे, एटियोलॉजी और इटियोलॉजी भी आप कहते हैं। एटियोलॉजी का मतलब क्या है? राइट, द स्टडी ऑफ कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, दैट यू कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। इटियोलॉजी जो है, दिस इज द स्टडी ऑफ इंटरनल कॉज ऑफ डिजीज, दैट यू कॉल्ड इटियोलॉजी। So this is the another term, the study of internal cause of disease, the study of internal cause of disease that you called etiology. So disease matlab, if any change take place in normal state of body that results to discomfort or disability, that you call disease. Epidemiology ka matlab hota hai that study of causes and spread of disease, study of causes and spread of disease, that you call epidemiology. वहीं etiology का मतलब होता है study of internal cause of disease, that you call etiology. Is that clear to all of you? इसके बाद यहाँ पे diseases कितने type की होती है, you must understand about this. Listen carefully. There are mainly two types of disease. Disease mainly दो type की होती है, एक होती है acquired disease और दूसरी होती है कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज कौन सी होती है? कॉन्जेनिटल डिजीज जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं जो कि पैदाइशी होती है, बाय बर्थ होती है, उसको आप कॉन्जेनिटल डिजीज बोलते हैं।
दिस इज बाय बर्थ, लेकिन acquired disease, that disease which acquired during lifetime, जिसे कि आप acquired disease कहते हैं. So this is disease acquired during lifetime. ऐसी बीमारी acquired during lifetime जो आपको पैदा होने के बाद लगती है, acquired during lifetime. तो life में कभी भी आप कोई बीमारी को acquired करते हैं, उसको acquired disease कहते हैं. अभी अगर हम बात करें यहाँ पे acquired disease की, तो acquired diseases कितने टाइप की होती है, which you get from your surrounding after your birth. तो acquired disease दो categories में divide होती है, infectious और दूसरी non-infectious. Non-infectious, infectious and non-infectious, there are two types of disease. One is infectious, another is non-infectious. Non-infectious. अगर बात करें इंफेक्शियस डिजीज की, तो इंफेक्शियस डिजीज किसे कहते हैं? इंफेक्शियस डिजीज, इट मींस द डिजीज विच ट्रांसमिट, जिसका ट्रांसमिशन होता है वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड हो जाती है. द डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक इंफेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में जिस डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाता है, जो डिजीज स्प्रेड हो जाती है, दैट यू कॉल्ड इंफेक्शियस डिजीज. So the disease which can spread from infected person to healthy person, वो बीमारी जो कि infected person से healthy person में spread हो जाती है, जिसका transmission हो जाता है. अब transmission चाहे किसी भी तरीके से हुआ हो, लेकिन एक infected person से healthy person में वो बीमारी चली गई, उसका transmission हो गया, इसे आप infectious disease कहते हैं. ऐसी एक disease और होती है जिसको आप कहते हैं non-infectious disease. अगर बात करें नॉन इंफेक्शियस डिजीज की, तो नॉन इंफेक्शियस डिजीज जो है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, इंफेक्शियस डिजीज में इसके आप एग्जांपल लिख सकते हैं. इंफेक्शियस डिजीज में ये बीमारी जनरली पैथोजेंस कॉज होती है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस बीमारी को करते हैं और उनका ट्रांसमिशन होता रहता है, वो स्प्रेड होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में. तो इस तरीके से उनका ट्रांसमिशन होता है, स्प्रेड होता है, और ए मेजॉरिटी ऑफ सच काइंड ऑफ डिजीजेस आर पैथोजेनिक. इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं. इसके एग्जांपल्स में जैसे कि आ गया बैक्टीरियल डिजीज, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है. टाइप्स ऑफ इंफेक्शियस डिजीज है ये, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज. इन सभी डिजीजेस के बारे में, सब टाइप्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं. फंजल डिजीज caused due to fungi, वहीं Helminth's disease caused due to Helminth's, Helminth's infection की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है. तो bacterial disease, viral disease, fungal disease and exactly Helminth's disease, ये सारे bacterial infection है, यानी कि infectious disease की category में आते हैं. वहीं अगर हम non-infectious disease की बात करें, so next is non-infectious disease. देखिए, listen carefully. Next is non-infectious diseases. देखिएगा, अगला है non-infectious diseases. अगर हम बात करें non-infectious diseases की, तो non-infectious diseases कौन सी होती है? Disease which cannot transmit from affected person to the healthy person. ये बीमारी का transmission नहीं होता है, ये spread नहीं होती है और ये generally pathogenic नहीं होती है. तो ये बात आपको याद रहे. So diseases cannot spread. ऐसी बीमारियां जो spread नहीं होती है, which cannot transmit from affected person to healthy person. Affected person से healthy person में जो बीमारी transmit नहीं होती है, उसे आप non-infectious
डिजीज कहते हैं। ये नॉन इंफेक्शियस डिजीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ नॉन इंफेक्शियस डिजीज में आता है, जैसे कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स या डीजनरेटिव डिजीजेस जो है, ये किसी भी पर्सन में एजिंग की वजह से होती है। जैसे कि आर्थराइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एजिंग की वजह से हो जाती है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी एजिंग की वजह से होती है। तो ऐसी बीमारियों को आप डीजनरेटिव डिजीज कहते हैं, राइट। और ये नॉन इंफेक्शियस होती है, और ये जो है एक अफेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में इनका ट्रांसमिशन नहीं होता है, याद रहे। इसके बाद ऐसे ही कुछ बीमारियां होती है, डेफिशिएंसी डिजीज। अगर बात करें डेफिशिएंसी डिजीज की, डेफिशिएंसी डिजीज वो होती है जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। अगर आपकी डाइट में कोई विटामिन्स की कमी है या कोई भी न्यूट्रिएंट्स कंटेंट कम है, आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट्स की वजह से आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में काफी सारे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जैसे आपका हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया या हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी होता है, जैसे कि आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, क्वासी ऑर्कर हो गया आपका, मैरिस्मस हो गया, स्कर्वी हो गया, बेरीबेरी हो गया। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। तो इनको आप डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, और इनका भी ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो ये बात याद रहे। तो ये भी नॉन इंफेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में ही आती है। इसके बाद आता है जैसे कि कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। जिस पर्सन को कैंसर है, उस पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को कैंसर के ट्रांसमिशन का चांस कोई नहीं होता है। तो ये भी एक नॉन इंफेक्शियस डिजीज में आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजीजेस। डिजीज का मतलब है इफ एनी चेंज टेक प्लेस इन नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी दैट रिजल्ट्स टू डिस्कम्फर्ट और डिसएबिलिटी दैट यू कॉल डिजीजेस। एपिडेमियोलॉजी मींस द प्रोसेस, एपिडेमियोलॉजी मींस क्या होता है, the study of causes and spread of disease that is called epidemiology. वहीं etiology क्या होता है, अगर etiology की बात करें, etiology this is the study of internal cause of disease. वहीं disease मैंने दो types की बताई आपको, one is acquired disease, another is congenital disease. Acquired disease जो होती है which acquired during lifetime, यानी कि after birth जो किसी भी person को affected कर देती है, उसे आप acquired disease कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्जेनिटल डिजीज, इट मींस दैट डिजीज विच इज बाय बर्थ, यानी कि पैदाइशी वो बीमारी है। जेनेटिकल डिसऑर्डर कॉन्जेनिटल डिजीज में आते हैं जो पैदाइशी बीमारी है, राइट। इसके अलावा एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप की है, इंफेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस। इंफेक्शियस जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है एक इंफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, उसका ट्रांसमिशन हो जाता है, वो आसानी से स्प्रेड हो जाती है। वही जो नॉन इंफेक्शियस डिजीज है वो उसका ट्रांसमिशन नहीं होता। इंफेक्शियस डिजीज में मेनली पैथोजेनिक डिजीज आती है, कॉज बाय बैक्टीरिया, कॉज बाय वायरस, कॉज बाय फंजाई, कॉज बाय हेलमिंस। तो ये बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोन, राइट, और हेलमिंस इंफेक्शन है, फंजल इंफेक्शन है, जो कि इंफेक्शियस डिजीज में आती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इंफेक्शन। इसके अलावा जो नॉन इंफेक्शियस डिजीज होती है उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, वो एक अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में उसका ट्रांसमिशन टेक प्लेस कभी नहीं करता है। ये थ्री टाइप्स की है, डीजनरेटिव जो कि एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं एज के साथ साथ। इसके अलावा डेफिशिएंसी डिजीज, जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आप कह सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज को। वैसे ही कैंसर भी एक नॉन इंफेक्शियस डिजीज में आता है। अबाउट कैंसर आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कैंसर, राइट, इन दिस चैप्टर, राइट। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे अगला जो मेरा टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, राइट, अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेस। तो बैक्टीरियल डिजीज जो है वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मेरे को और डिस्कस करनी है यहां पे, आई हैव टू डिस्कस अबाउट द पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, देखिए, लिसन केयरफुली, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी इंफेक्शियस डिजीज होती है वो पैथोजेंस की वजह से होती है, और पैथोजेंस का मतलब है ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस क्या है, पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स,
और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो पैथोजेंस क्या है? दीज आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जिनको आप पैथोजेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पैथोजेंस क्या होते हैं? जनरली बॉडी की नॉर्मल स्टेट में चेंज कर देते हैं, वो बॉडी के प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करते हैं, बॉडी के इंटरनल प्रोसेस के साथ, बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ इंटरफेयर करने का काम करते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस जनरली इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ बॉडी, बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ इंटरफेयर करने का काम करते हैं पैथोजन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दे डिस्टर्ब द फिजियोलॉजी ऑफ ए पर्सन, वो किसी भी तरह का हार्म क्रिएट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो है डीजनरेट कर सकते हैं बॉडी फंक्शंस को, बॉडी पार्ट्स को, बॉडी ऑर्गन्स को। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये क्या करते हैं? डैमेज द बॉडी, ये बॉडी फंक्शंस को और बॉडी पार्ट्स को डैमेज करने का काम करते हैं पैथोजेंस, राइट? एंड द स्टडी ऑफ पैथोजेंस, जो स्टडी ऑफ पैथोजेंस है उसको आप क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ पैथोजेंस इज कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोजेंस की स्टडी करना पैथोलॉजी है। क्या है? पैथोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहा जाता है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चू। तो रुडोल्फ विर्चू नाम के एक साइंटिस्ट है, राइट, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल अबाउट डिजीजेस, हेल्थ एंड पैथोजेंस एंड अबाउट पैथोलॉजी। इसके बाद इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेस, पैथोजेनिक जो डिजीजेस है, पैथोजेनिक जो इन्फेक्शंस है, इन्फेक्शियस डिजीजेस भी आप इनको बोलते हैं। इनमें बैक्टीरियल, वायरल, हेलमिंस, प्रोटोजोन्स, फंजल डिजीज, ये सब आते हैं। अब इन सभी डिजीज के बारे में आई विल डिस्कस इन डिटेल, राइट, इन माय नेक्स्ट क्लासेस। लेकिन अगली क्लास में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेज एंड वायरल डिजीजेज के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।